जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बगलामुखी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 11, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 11 में हम लोग नंबर वाला कुछ बताए थे, कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको बनाने के लिए। आज भी हम नंबर वाला में ही हैं, लेकिन हम चले जाते हैं 2 डिजिट नंबर वाला में, ठीक है। चलिए जय गणेशाय, जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गा माई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके लिए है? पार्ट 11 हो गया आपका, और किसके लिए है? ये क्लास 10 वाला के लिए। आज का टॉपिक है मेरा 2 डिजिट्स नंबर, ठीक है। इसके साथ साथ फ्रैक्शन वाला भी ले लेंगे, क्या दोनों में से एक एक क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है। तो पहले है ये 2 डिजिट नंबर वाला, तो एक क्वेश्चन लिख लो पहले। 2 डिजिट नंबर वाला में एक क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं कोई भी। जैसे ये 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज 20, ठीक है। और व्हेन 9 इज एडेड टू द नंबर देन द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस फाइंड नंबर, ठीक है। क्वेश्चन देख लिया, इसको इधर ही घुमा, ठीक। ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट वाला नंबर, भाई आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 2 डिजिट वाला नंबर कहां से होगा? 10 से लेकर के 99 तक, ये ना मेरा होगा क्या 2 डिजिट नंबर। इसमें से कोई एक नंबर ले लो, इसमें से कोई एक नंबर ले लिए। मान लिए हम एक नंबर ले लिए 47, ठीक है, 47, ठीक। तो ये कह क्या रहा है? 47 हो गया, क्या बोलते हैं इसको? 47 नहीं बोलते हैं क्या? क्या लिखता है इसको? 47 ये नहीं लिखते हैं, इसका मतलब 40 प्लस 7, 40। अच्छा, ये होता है 40 का मतलब क्या? 4 टेंस। 7 का मतलब क्या? 7 वंस। ये जो है आपका पोजीशन क्या है? वंस। ये किसका पोजीशन है? टेंस का है। 4 टेंस माने क्या? 4 × 10। 7 वंस माने क्या? 7 × 1। तब 40 + 7 = 47 आ गया। घूम फिर के बाद वही चलाया, यानी प्लेस पर उसका डिपेंड करता है वैल्यू, प्लेस वैल्यू, बस समझ गए? 4 टेंस और 7 वंस, ठीक। अब आगे हमको तो नंबर में पता नहीं रहेगा कि इतना है इतना है, वही तो निकालना है, उसको तो अपने मन से मानना होगा, नहीं मानना होगा। चलो अब यहां पर यदि हम कर दें, इसको हटा दें, ठीक। चलो इसको हटाइए दो, यानी आप इसमें क्या देखें कि टेंस प्लेस पर जो रहेगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यूनिट्स प्लेस पर जो रहेगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यही ना आप देखे हैं, है?
जैसे यही आप जो लिखे थे 47, ये आपका वंस प्लेस पर है और ये किस पर है, टेंस प्लेस पर है, यानी इसको हम 10 से मल्टीप्लाई किए, इसको 1 से मल्टीप्लाई किए, तब ये मेरा 47 कितना आ गया, 47। यानी रिजल्ट क्या है कि टेंस प्लेस वाला को 10 से मल्टीप्लाई करना है और यूनिट्स प्लेस वाला को 1 से मल्टीप्लाई करना है, ये करना है ठीक। इसी के भाई साहब को ले लीजिए, इनके भाई साहब मान लो कि x और y भी x y क्या है, सो देखो ये x जो है ये मेरे टेंस प्लेस पर है और y क्या है यूनिट्स प्लेस पर कहो या वंस प्लेस जो भी कहो, हो गया। ये क्या होगा, x को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा और y को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1 से, तो मेरा नंबर क्या हो गया 10x+1। अब समझ गया बात है, चलो अब इसी क्वेश्चन को हमको बनाना है ठीक है। इसमें हमको मानना होगा कि यूनिट्स प्लेस e है और टेंस प्लेस e है, तब उससे हमारा नंबर e बना, मानना होगा ना। देखो कोई भी टू डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन होगा, इसमें इतना काम तो करना ही होगा पहले, उसके बाद जो क्वेश्चन कहे वो कीजिए। जैसे हम क्वेश्चन पढ़ना शुरू किए, क्या ए टू डिजिट नंबर, बस हो गया टू डिजिट नंबर, रुक जाइए, पहले इनका क्रियाक्रम कर दीजिए। क्या क्रियाक्रम करना है, लेट वंस प्लेस या यूनिट्स प्लेस जो कहे, जिसको मान लेते हैं हम लोग एक्स, और टेंस प्लेस वाला जो डिजिट है उसको मान लिए क्या वाई, तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा 10y+x(1)=10y+x, हो गया बात खत्म। चलो अब आगे पढ़ो, इन सच ए वे दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 20, डिजिट का प्रोडक्ट, डिजिट आप क्या माने थे एक्स और वाई ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x(y) = कितना 20 नहीं हो गया, यानी xy = 20 ठीक है। आप कहता व्हेन 9 इज एडेड टू द नंबर, ये आपका नंबर है ना जी, ये आपका नंबर है, व्हेन 9 इज एडेड टू द नंबर, इस नंबर में जब 9 ऐड किया गया तो क्या हुआ, करके देखो, इस नंबर में जब 9 प्लस किया गया तो क्या कह रहा है, डिजिट्स इंटरचेंज, वो जो डिजिट है आपके पास दो डिजिट है वंस और टेंस, वो अदला बदली हो गया, जैसे वहां हम लोग एग्जाम्पल में 47 लिए थे ना, तो अदला बदली हो जाएगा तो 74 हो जाएगा, 47 लिए थे अदल बदल हो गया तो क्या हो गया 74 हो गया, तो उसमें 4 tens 7 1 था, अब हो गया 7 tens 4 1s हो गया, नहीं हो गया ठीक। तो इस नंबर में जब हम 9 को प्लस कर दिए तो यहां भी चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10x+y, नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10x+y, हो गया काम खत्म। अब इसको सजा लीजिए, x-10x+10y-y = -9, -9x+9y = -9, 9 कॉमन ले लीजिए, -9 कॉमन ले लिए, x-y = 1, इसको मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट, इसको मान लीजिए सेकेंड पॉइंट ठीक है, x = कितना हो गया 1+y, नहीं हो गया, ई वैल्यू ले जाकर के पहला वाला में रख दीजिए, x = कितना 1+y, तो यहां जब हम रखते हैं तो 1+y (y) = कितना 20, यानी y+y²-20 = 0, y² + y²+y-20 = 0। अब तो आपके बस की बात है, क्या करना है, फैक्टराइज करना है, यानी इक्वेशन आ गया आपका y² + y-20 = 0, तो y² + 5y-4y-20 = 0, y कॉमन ले लिए तो y+5-4 कॉमन ले लिए y-5 = 0,
ये सब तो बताने की जरूरत नहीं है। यानी एक हो गया वाई माइनस फोर, दूसरा हो गया वाई, ये गड़बड़ हो गया जी, यहाँ गड़बड़ हो गया ना, माइनस कॉमन लिए तो प्लस होगा ना, वाई प्लस फाइव, यानी वाई इज इक्वल टू फोर और वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव। ठीक है, y इज इक्वल टू फोर और y इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस फाइव। निगेटिव को हम इग्नोर करते हैं, निगेटिव को क्या कर दिए, इग्नोर कर दिए, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया फोर, तो y का वैल्यू फोर बैठा दीजिए तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा फाइव, नहीं हो गया x का फाइव y का फोर। नंबर क्या था आपका, टेन y प्लस x, यानी टेन इंटू फोर प्लस फाइव, यानी नंबर था आपका 45। नंबर क्या था 45। इसको चेक करके भी देख लो सही है कि मैं आंसर तुम्हारे पास नहीं है, आंसर नहीं देंगे हम 45। और टू डिजिट नंबर, तो भैया ये दो डिजिट वाला नंबर तो है ना, फोर और फाइव, प्रोडक्ट इज 20, फोर फाइव जा 20, सही बात। When 9 इज एडेड, ठीक है भाई 45 में 9 जोड़ो तो कितना हो गया 54, डिजिट इंटरचेंज हो गया, सही है, यानी हम लोग जो बनाए वो क्या है सही है, खत्म बात। चलो अब हम आ जाते हैं दूसरा क्वेश्चन, अब आ जाते हैं एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्या एक क्वेश्चन से ज्यादा बताना ठीक बात नहीं है, आप टेंथ में हैं, ठीक, फ्रैक्शन वाला आ जाइए, फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता, जैसे उसमें यूनिट डिजिट और टेन डिजिट ले लिए, फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो गया, न्यूमरेटर बाय क्या डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर। एक क्वेश्चन ले लीजिए, इस फ्रैक्शन वाला के लिए भी देखो क्वेश्चन लिखिएगा तब ना समझिएगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर टू, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन is 3 less than the denominator if 2 is added to both numerator and denominator then sum of new and original fraction is 29 by 20 find the fraction ठीक है, क्या है आपका फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन बराबर क्या होता है, तो क्वेश्चन नहीं दे पाएंगे क्या, फ्रैक्शन बराबर क्या देना है, न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर होता है, यानी इसमें हमको मानने के लिए क्या है दो चीज, एक न्यूमरेटर और दूसरा डेनोमिनेटर, तो मान लिया जाए पहले सबसे पहला काम वही किया जाए कि लेट न्यूमरेटर साहब एक्स डेनोमिनेटर, एक्स मानना ठीक बात नहीं क्या, न्यूमरेटर इज इक्वल टू जी डेनोमिनेटर इज इक्वल टू बी, देन फ्रैक्शन इज जी बाई बी, फ्रैक्शन क्या हो गया जी बाई बी। चलो अब आ जाइए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, क्या इंस्ट्रक्शन है, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से 3 कम है, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से 3 कम है, यानी न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से 3 कम है,
जी इज इक्वल टू बी माइनस थ्री। ठीक है, तो आपका फ्रैक्शन क्या हो गया, जी बाई बी था ना, यानी बी माइनस थ्री बाय बी। फ्रैक्शन ये नहीं था जी बाई बी, तो जी के बदला आप बी माइनस थ्री लिखिएगा, तो बी माइनस थ्री बाई बी हो गया। क्लियर, चलिए अब आ गया। अब आ रहा है इफ टू इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में टू जोड़ दिया गया, यानी बी माइनस थ्री बाई बी था ना, ऊपर में भी टू जोड़ दिया गया और नीचे में भी टू जोड़ दिया गया, बी माइनस वन, अब आई क्या हो गया, बी प्लस टू हो गया। ठीक है, इफ टू इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर देन सम ऑफ न्यू एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन, यह आपका न्यू फ्रैक्शन हो गया, न्यू फ्रैक्शन, और ओरिजिनल फ्रैक्शन आपका यही ना हुआ ओरिजिनल, क्योंकि जी बाई बी, जी का वैल्यू आप डाल दिए हैं। ठीक है, तो सम ऑफ न्यू एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 29 बाई 20, यानी b माइनस थ्री बाय बी प्लस बी माइनस वन बाय बी प्लस टू इज इक्वल टू 29 बाय 20। ठीक है, अब का काम आपको आता है, अब मेरा बताना काम है, देख लीजिए एक है इसलिए हम बता दें, b इंटू बी प्लस टू आपका क्या हो गया एलसीएम, तो क्या हो जाएगा भाई, b से डिवाइड किया तो क्या बच गया b प्लस टू, बी प्लस टू को बी माइनस थ्री से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, बी प्लस टू से करेगा तो बी इंटू कितना, बी माइनस वन इज इक्वल टू कितना 29 बाई 20। अब इसको मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वायर माइनस थ्री बी प्लस टू बी माइनस सिक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस बी बाय बी स्क्वायर प्लस टू बी इज इक्वल टू 29 बाई कितना 20, नहीं हो गया, आवाज आ दिखाई दे रहा, हाँ, बी स्क्वायर माइनस थ्री बी प्लस टू बी कितना हो गया माइनस बी माइनस सिक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, अब बाई कितना, बी स्क्वायर प्लस टू बी इज इक्वल टू 29 बाई 20, बी स्क्वायर बी स्क्वायर कितना बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस बी माइनस बी माइनस 2b माइनस 6, ठीक है, बाय बी स्क्वायर प्लस 2b इज इक्वल टू 29 बाय 20। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके आप b का वैल्यू निकालिएगा, b का वैल्यू निकल जाएगा तो आपको g का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा सो हम खाली आपको बता देते हैं। ठीक है, आंसर आएगा 7/10, आंसर आएगा इसका 7/10। ठीक, क्योंकि मेरा समय जा रहा है, कम से कम एक दो क्वेश्चन तो लिखा दें। ठीक, लिखिए फटाफट क्वेश्चन, खाली मेरे बताने से क्या होना। ठीक, लिखिए क्वेश्चन वन, ए नंबर ऑफ टू डिजिट, ए नंबर ऑफ टू डिजिट हुज प्रोडक्ट इज 56 व्हेन 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंजिंग देयर प्लेसेज फाइंड द नंबर। हो गया, एक फ्रैक्शन वाला हो गया, एक अरे नंबर वाला था ना, अब फ्रैक्शन वाला ले लो, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज टू लेस देन द डेनोमिनेटर इफ वन इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर द सम ऑफ न्यू एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 19 बाई 15। देखा, दोनों सेम टू सेम डाल दिए ना, है जो बताया गया उसी पर डाल दिए, कोई नया चीज नहीं डाले। चलो अब फिर तीसरा क्वेश्चन लिखो, तीसरा क्वेश्चन है, ए नंबर
कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स हुज प्रोडक्ट इज 30 इफ यूनिट्स डिजिट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टेंस डिजिट वन इज ऑब्टेंड। बात समझ गया? फाइंड द नंबर, ठीक है। अब एक ले लो, किसका? फ्रैक्शन वाला। द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज वन मोर देन इट्स डेनोमिनेटर इफ इट्स रेसिप्रोकल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट। फाइंड द नंबर, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, द डिफरेंस इज 11/30। द डिफरेंस इज 11/30। फाइंड द फ्रैक्शन, ठीक है। एक अब टू डिजिट वाला ले लो। ए टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 14 When 45 is added to the number, then the digits interchanging their place, find the number. हो गया। अब एक फिर फ्रैक्शन वाला ले लो। हाई टाइम। The denominator of a fraction exceeds its numerator by 3. The denominator of a fraction exceeds its numerator by 3. If 3 is added to both numerator and denominator, the difference between the new and original fraction, is 9/88. Find the original fraction. ठीक है, हो गया। यहीं पर छोड़ दिया जाए। हाँ, अब हम लोग आगे फिर इसका काम करेंगे। एक एक बता दिया, तीन तीन तो डाल ही दिए। ठीक, चलिए। जय माँ बंगला मुखी।